वेलकम टू आरुषि'स वर्ल्ड। और आज संडे है यहाँ पे, तो मैं ऐसे एनसी स्टेट के कैंपस पे थी सुबह से, टैली स्टूडेंट यूनियन पे हूँ अभी। आज बहुत अच्छा और सनी डे है, कई दिनों से काफ़ी ठंड थी। ठीक है, मैंने बैठने के लिए जगह ढूंढ ली और मेरे पास लास्ट फ्यू डेज में काफ़ी सारे बच्चों के स्पेसिफिकली एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस थे कि एज एन इंडियन स्टूडेंट मैं कितना रेकमेंड करूंगी कि एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी आओ। तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ से मास्टर्स किया है, तो ये मेरी चॉइस की ही यूनिवर्सिटी थी, मैं यहाँ इसीलिए आई। मेरे पास काफ़ी सारे ऑफर्स थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से था, पेन स्टेट से, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और यूटी डैलस से था, और भी जगहों से था। तो ये मेरा खुद का डिसीजन था यहाँ आने का, तो वो क्यों था। और अब मतलब मैं ट्राई करूंगी कि ऑब्वियसली मैं यहाँ के एलुमनाई हूँ तो एक बायस्ड ओपिनियन भी आ सकता है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूँ वो एक अनबायस्ड, एक रैशनल ओपिनियन हो। तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी, अपनी ओपिनियंस दूंगी कि क्यों मुझे लगता है कि एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी आई फील इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एंड आप लोग उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो ये फैक्टर्स इफ दे मेक सेंस टू यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रैंकिंग और रेपुटेशन की आती है। तो एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी US के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में है। एनसी स्टेट लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी है, तो लैंड ग्रांट में जो फेडरल गवर्नमेंट के लैंड्स को सेल के प्रॉफिट से जो यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, गवर्नमेंट ने करी थी, तो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी सबसे एस्टैब्लिश्ड और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करी जाती हैं US में। तो एनसी स्टेट उन्हीं में से है, इससे रेपुटेशन वाइज आई थॉट कि वो अच्छी है। सेकेंड पॉइंट ये था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। मेरे केस में जैसे कोलंबिया ना जाने का एक मेजर रीज़न था कि न्यूयॉर्क सिटी के लिविंग एक्सपेंसेस और कोलंबिया का ट्यूशन, तो उस चीज़ में भी वाइल द रेपुटेशन इज़ रियली गुड, कॉस्ट ऑफ लिविंग नाले का काफ़ी कम है, मतलब US के नेशनल एवरेज से कम है। तो यहाँ पे जैसे मैं पर्सनल रूम का $450 से $500 की रेंज में पे कर रही थी, इंक्लूडिंग द यूटिलिटीज़। 380 to 420 की रेंज में रेंट रहता था, जो मैं दो कमरे जहाँ पे रही हूँ, और उसके बाद अराउंड $50 to $100 और यूटिलिटीज़ का आता था, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाईफाई का बिल। तो ये सब मिला के कभी भी जो मेरा टोटल एक्सपेंसेस है वो 550 मैक्सिमम ठंड में, जब ठंड में हीटर के कारण इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आने लगता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो मेरा गया इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके कारण भी मेरा $600 या 625 के बैंडविड्थ को कभी लिविंग एक्सपेंसेस ने क्रॉस नहीं किया। मतलब लिविंग एक्सपेंसेस टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा और खाने पीने का और ग्रोसरी का भी एक्सपेंस है, बट आपका जो घर का और यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस है वो राली का थोड़ा लोअर साइड पे है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एज एन इंडियन स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे 1 lakh से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, आई थिंक 120,000 इंडियंस इस लोकेलिटी में, लाइक एनसी स्टेट में रहते हैं, नॉर्थ कैरोलिना में, मतलब नॉट द यूनिवर्सिटी। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होती है। जब भी फेस्टिवल्स आते हैं इंडिया के, तो यहाँ पे टेम्पल्स हैं कई सारे, वहाँ पे बहुत एक्टिव इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, ऑन कैंपस इस्कॉन की कम्युनिटी है और सारे इंडियन सोसाइटीज़ हैं, लाइक सारे रिलीजन्स की अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। और मतलब मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप घर से इतना दूर रहने के लिए आ रहे हो, तो आपको ऐसा सिर्फ 2 महीने का कल्चरल एक्सचेंज नहीं है। जैसे मैं क्रोएशिया गई थी तो मुझे पता था वहाँ कोई इंडियंस नहीं है, बट वो सिर्फ 2 महीने की बात थी, इंटर्नशिप थी। बट यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी चाहिए, तो यहाँ इंडियंस की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। और उसी के कारण जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है मैं आज तक अराउंड 35 इंडियन रेस्टोरेंट्स में खुद आराम से जा चुकी हूँ इसी एरिया के, और अभी भी हमने पूरे नहीं एक्सप्लोर किए हैं। तो दैट काइंड ऑफ टेल्स कि यहाँ पे एंडलेस इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं फील, मतलब टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, और अगर उनमें आपको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये बहुत मेजर प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडियंस की कम्युनिटी, जो रिसर्च ट्रायंगल पार्क है राली का, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको ग्रोसरीज मिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। बहुत इंडियन स्टोर्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स, मैंने बताया कि अराउंड 35 में मैं खुद जाती रही हूँ बिना रेपिटेशन के, कि हम एक के बाद एक नए नए ट्राई करते हैं, तो कभी भी मुझे रेपिटेशन फील नहीं हुआ। बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट है, ये सब है। तो
हाँ, अगर आपको ये सब इम्पोर्टेंट लगता है, इसके लिए आई फील राली का बहुत अच्छा वो है. नेक्स्ट चीज़ वेदर की आती है कि एज इंडियंस हम एक सर्टन तरह के वेदर, एक सर्टन तरह की हीट के लिए अकस्टम्ड होते हैं. तो US के हिसाब से राली का टेम्परेचर बहुत अच्छा है. मतलब यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक बार होता है गिनती का. वैसे तो यहाँ स्नोफॉल होता ही नहीं है हर साल. तो यहाँ का जो मौसम है वो ऐसा कंपेरेबल जैसा चेन्नई का या हैदराबाद का वेदर रहता है, आप उससे कंपेयर कर सकते हो. मतलब यहाँ की हीट है क्योंकि ये इट इज़ क्लोजर टू द कोस्ट, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है और ठंड कम पड़ती है. तो यहाँ पे ठंड में भी माइनस में टेम्परेचर जाता है, बट दैट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ का टेम्परेचर जनरली इंडियंस के लिए बहुत फेवरेबल है, उसी की वजह से इतनी सारी इंडियन कम्युनिटी है. तो ये भी एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था. बट अब यूनिवर्सिटी पे मैं वापस आ जाती हूँ. तो यूनिवर्सिटी NC स्टेट यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं. यहाँ पे IBM के ऑफिसेज हैं, तो IBM हमारा एक बहुत मेजर इंडस्ट्री पार्टनर है. हमारे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स IBM के प्रोफेशनल्स हैं. मेरे टोटल 3 प्रोफेसर्स रहे हैं मास्टर्स में जो IBM के इंडस्ट्री लीडर्स थे. एक तो जो PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो PMI के से एसोसिएटेड थे, तो उनके कारण हमें काफ़ी सारी हेल्प मिली. तो आई फील कि उस चीज़ में NC स्टेट का काफ़ी सारा इंडस्ट्री टाइप है जो इंटर्न स्टूडेंट्स को हेल्प करता है. एक और पॉइंट NC स्टेट के बारे में ये है कि यहाँ पे इट्स नॉट वेरी हार्ड टू गेट इन टू कोर्सेज. जैसे इस चीज़ में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगी कि मेरी कुछ बात हो रही थी UT Dallas के कुछ स्टूडेंट्स से, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि उनको अगर किसी कोर्स में एनरोल करना है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है. वहाँ पे सीट्स का बहुत शॉर्टेज है. इंडियन स्टूडेंट्स ट्राई करते रहते हैं और उनको अपने प्रेफर्ड सीट्स नहीं मिलते. तो ये एक बच्चे का एक्सपीरियंस उसने मुझे बताया है. बट इस तरह की चीज़ें होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कि वहाँ पे आपको अपने पसंदीदा कोर्सेज नहीं मिल पाते. यहाँ पे वो प्रॉब्लम कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. लाइक CS और CE वगैरह ब्रांचेस में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी द वैरायटी ऑफ कोर्सेज एंड एवरीथिंग, जो कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई फील कि अलॉट, मतलब जितने बच्चों को मैं जानती हूँ, दे काइंड ऑफ अग्री विद दिस ओपिनियन कि हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के या अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में कुछ ऐसा था जो यूनिवर्सिटी हमें और ऑफर कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट NC स्टेट के कल्चर से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो रेड एंड वाइट वुल्फ पैक, हमारा वुल्फ पैक मैस्कॉट है. तो यहाँ पे जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको NC स्टेट यूनिवर्सिटी का कल्चर देगा, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक. मैंने मतलब और यूनिवर्सिटीज़ का देखा है कल्चर, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो जो एक स्पिरिट है लाइक ऑफ बिलोंगिंगनेस वो बहुत स्ट्रांग है. हम लोग रेड और वाइट में, मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं, रेड और वाइट वीक, रेड एंड वाइट वीक सेलिब्रेट होता है, कुछ कुछ ऑन कैंपस होता रहता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. अगेन लाइक कमिंग बैक टू जो मैं पहले बात कर रही थी, तो यहाँ पे जैसे जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज है उनका ऐसा डेडिकेटेड पार्टनरशिप है NC स्टेट की जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है मैत्री हमारी, तो जो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन. तो मैत्री ने जैसे कल ही यहाँ पे मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पीछे उन्होंने होली का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, तो वहाँ पे अराउंड 600 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था. तो होली लाइक प्रॉपर बॉलीवुड के म्यूजिक के साथ में पूरा कॉलेज जैसा लाइक देख रहा था. तो वो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मोमेंट्स में, आपको ऐसी कमी नहीं फील होती कि आप इंडिया से इतना दूर हो. तो उन सब चीज़ों में भी आई फील कि एज एन इंडियन स्टूडेंट आई रियली डोंट थिंक कि कुछ और ऐसा चाहिए था जो मुझे नहीं मिला. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एल्यूमनाई नेटवर्क. तो आप जब यहाँ एसेंशली US में आते हो, किसी भी US की यूनिवर्सिटी में ऐसे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स नहीं होते. ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी शायद. यहाँ पे करियर फेयर्स होते हैं जहाँ पे कंपनीज आती हैं और वो अपने बूथ सेटअप करती हैं. वहाँ पे आप उनको अपना प्रोफाइल या रेज्यूमे दे सकते हो. बट उसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी हो कितनी भी अच्छी, यहाँ पे ऐसे करियर प्लेसमेंट मतलब कैंपस फेयर्स नहीं होते, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो इंडिया में है. तो उस वजह से यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंसी है वो अपने एल्यूमनाई नेटवर्क पे बहुत बढ़ जाता है. तो NC स्टेट की मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, लाइक कोई भले CS का हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हो या मैनेजमेंट की फील्ड का हो, तो आप अक्रॉस कोई भी ब्रांच बात कर लो तो NC स्टेट के बच्चे बहुत वेल प्लेस्ड हैं. मतलब NC स्टेट का एल्यूमनाई आपको किसी भी अच्छी कंपनी में मिल जाएंगे. तो जब आप LinkedIn पर जाके सर्च करो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़, तो आप उसमें अपना स्कूल फिल्टर अगर डाल दो NC स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आई फील कि वो जो एल्यूमनाई सपोर्ट है वो भी NC स्टेट काफ़ी अच्छा, मतलब
एनसी स्टेट के स्टूडेंट्स अच्छा ऑफर कर देते हैं. एक ये तो मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में वैसे ऑनेस्टली जाओगे तो आपको मिलेगा ही. तो मतलब ये चीज़ मैं एनसी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर या एडमिट है, तो मेक श्योर कि आप उनके एल्युमनाई को लिंक्डइन पे सर्च जरूर कर लेना. उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, जैसे यहाँ के एनसी स्टेट के बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, कोई भी कंपनी हो, यू नेम इट, और वहाँ पे एनसी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली यू कैन रीच आउट टू देम कि हाँ मैं भी एनसी स्टेट का करंट स्टूडेंट हूँ और आई वॉन्टेड लाइक ऐसा रेफरल और जो भी है. तो ये वाली चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको आगे आपके करियर में, मोर देन यू रियलाइज इट नाउ. तो उस वजह से आई फील कि चेक इट आउट, लाइक आप जहाँ भी जा रहे हो, लाइक मैं वीडियो एनसी स्टेट का बना रही हूँ तो उसका एग्जाम्पल है, बट मेक श्योर यू डू दिस, लाइक एल्यूमनाइज देखना कि आपके कॉलेज के आप जहाँ भी सोच रहे हो वो कहाँ वेल प्लेस्ड है. और लास्ट पॉइंट, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बात किया था कि एनसी स्टेट आई हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे अराउंड 9 या 10 कॉफ़ी शॉप्स हैं कैंपस पे, कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स. कॉफ़ी शॉप सिर्फ 9 या 10 है, रेस्टोरेंट्स और भी हैं. तो टोटल अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ ये टैली स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ पे अंदर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं. फिर जो हमारा दूसरा कैंपस है सेंटेनियल कैंपस, इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस वहाँ पे हैं, मतलब वहाँ पे अलग अलग कई सारे और कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं. तो वहाँ ओवल करके एक अलग पूरा डेडिकेटेड स्पेस है, यहाँ पे ये टैली स्टूडेंट यूनियन है. फिर लाइब्रेरीज में अलग अलग हैं. तो उस कारण से जनरली स्पीकिंग, अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो जो पार्ट टाइम जॉब ऑन कैंपस करना चाहते हो, तो चांसेस हैं कि आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा. यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं आती है, मतलब क्योंकि बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं. तो वो भी आई फील एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है एनसी स्टेट के लिए. तो मैंने वही, ये मेरे मतलब आई रियलाइज कि मैंने सिर्फ प्रोज बताए जितनी भी ओपिनियन दी उनमें. मेरे हिसाब से यार ऑनेस्टली ऐसा कोई कौन है नहीं. अगर मुझे कुछ इतना ख़राब लगता तो मैं खुद पढ़ने के लिए नहीं आती. तो मेरे मतलब ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरी ओपिनियन वैसी की वैसी ही है कि आई डू बिलीव कि एनसी स्टेट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे आपको एक जिस तरह का पेस चाहिए होता है कॉलेज में, राली छोटा शहर है, उस वजह से आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंसेज या डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. वो चीज़ आप देख लो कि आपको मतलब वो किसी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए माइनस भी हो सकता है. कि हाँ अगर मैं कौन बोलूँ राली का तो वो ये होगा कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. आप लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ आओगे आप 2 दिन में पूरा देख सकते हो. उसके अलावा फिर नेचुरल ब्यूटी बहुत है कि काफ़ी सारे लेक्स हैं, सब कुछ है, बट इन ऑल ऑनेस्टली सारे लेक्स एक से ही दिखते हैं. तो आपको ऐसा इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा. बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कि आप जब कॉलेज के लिए आते हो तो आपका पूरा जो फोकस है वो कॉलेज पे ज़्यादा रहना चाहिए. मतलब सिर्फ पढ़ाई पे नहीं बट कॉलेज पे इन जनरल, मतलब कॉलेज के सारे इवेंट्स अटेंड करना, कॉलेज के अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपस पे चिल करना. आई रियली फील कि आप कैंपस में मतलब कॉलेज में आप वो सब लाइफ जीने आते हो. उसके लिए आई फील कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई फील राली एंड एनसी स्टेट का ये जो पूरा ये है एरिया, इट हैज़ दैट कॉलेज टाउन वाइब टू इट. कि आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पे आपको वुल्फ लाइन की बसेस दिखेंगी इस पूरे लाइक सेंट्रल एरिया में. और हाँ, एक और पॉइंट मैं बताना भूल गई कि वुल्फ लाइन की जो बसेस हैं वो भी फ्री होती हैं. मतलब हम एनसी स्टेट का ही वो बस सर्विस है कॉल्ड वुल्फ लाइन, तो वो फ्री है स्टूडेंट्स के लिए. उस कारण आपका एक कम्यूट का भी खर्चा बचता है. मतलब जनरली जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब कैंपस के आसपास ही ऐसा रहते हैं कि आपको कोई ना कोई वुल्फ लाइन की बस आपके घर के आसपास से कहीं से निकलती होगी. तो उससे आपका एक बहुत मेजर एक्सपेंस जो है बसेस का वो बचता है, बसेस का या कम्यूट का. तो वो भी एक पॉइंट है टू कीप इन माइंड अबाउट द यूनिवर्सिटी. बट हाँ, मतलब मैंने वही कोशिश करी कि मैं जितना कैंडिडली पॉसिबल हो अपनी ओपिनियंस शेयर करूँ अबाउट द यूनिवर्सिटी. अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा. बाकी मैंने वही अपना जॉब स्टार्ट कर दिया है तो आजकल थोड़ा सा उसी में बिजी रहती हूँ, मंडे टू फ्राइडे एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर. वो भी अच्छा चैलेंजिंग है, फन है. मैं उस पर अलग से बात करूंगी किसी वीडियो में. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप कमेंट्स में बताइएगा मैं और क्या बनाऊँ. बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे.